बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं फिक्स पॉइंट आइटरेशन के। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है फाइंड अ रियल रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो यूजिंग फिक्स पॉइंट आइटरेशन मेथड। तो फिक्स पॉइंट आइटरेशन मेथड को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरह डील कर सकते हैं। तो हम चलते हैं बेसिकली इसके सोल्यूशन की तरफ। बेसिकली फिक्स पॉइंट आइटरेशन, जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ कि ये एक ओपन मेथड है। इसके लिए आपको किसी इंटरवल की ज़रूरत नहीं होती, बट अगर आप इंटरवल फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपका काम, यानी जो इनिशियल सोल्यूशन है उसको ढूंढना आपके लिए इजी हो जाता है। तो चले हम फिक्स पॉइंट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन ऑफ एफ एक्स, ठीक है जी। एक जल्दी से हम इसका एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं, एक टेबल कुछ वैल्यूज के लिए, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इस तरह हमने एक टेबल फॉर्म कर लिया। ठीक है जी। तो मिसाल के तौर पर मैं इसकी वैल्यू को चेक कर लेता हूँ। माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री एंड फोर, इस तरह हम कुछ वैल्यूज पर इसको चेक कर लेते हैं। तो करना क्या होगा आपने कि माइनस थ्री की वैल्यू को उठाना है और फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है। बेसिकली ये आपका है फंक्शन f of x is equal to x cube minus 4x and minus 5, ये आपका फंक्शन है, ठीक है जी। तो अब आप क्या करने वाले हैं कि इस माइनस थ्री को उठाते हैं और इसको फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आपका जो आंसर है, आप अपने कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर नेगेटिव आता है। जब माइनस टू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तब भी आपका आंसर नेगेटिव आता है, माइनस वन को पुट करते हैं तब भी आपका आंसर नेगेटिव होता है, जीरो पर भी आपका आंसर कैलकुलेटर से नेगेटिव आता है, वन पर भी आपका आंसर नेगेटिव है, टू पर भी आपका आंसर नेगेटिव है, थ्री पर आपका आंसर पॉजिटिव बन रहा है और फोर पर भी आपका आंसर पॉजिटिव बन रहा है, राइट। तो ये करना कंपलसरी नहीं है, बट आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको इस तरह इंटरवल फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आपके लिए जो है नंबर ऑफ आइटरेशन जो है वो कम से कम हो जाएंगी, क्योंकि आपका जो इनिशियल सोल्यूशन होगा वो आपके रूट से बहुत करीब होगा। तो ज़रा नोट कीजिए कि यहाँ पर साइन चेंज हो रही है 2 and 3, तो हम 2 and 3 को जो है अपना इनिशियल इंटरवल सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता लगा, एज एफ ऑफ एक्स हैज ऑपोजिट साइन एट एक्स इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। इसके अलावा भी आप वैल्यू सपोज कर सकते हैं, लेकिन जितना इंटरवल क्लोज होगा उतना आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो 2, 3 बेसिकली हमारा इंटरवल बन जाएगा, ठीक। अब हमने अपनी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन को सपोज करना है। तो इनिशियली जो हम गैस कर रहे हैं, दस द इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन Initial approximation can be taken as, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं जो है वो 2 और 3 इसके दरमियान एक वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल मैं x नॉट इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास, अच्छा फिर सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना होता है, जो भी आपका फंक्शन गिवन है उसको आपने रीअरेंज करना होता है x इज इक्वल टू जी ऑफ x वाली फॉर्म में, ठीक है जी। तो मैं x इज इक्वल टू जी ऑफ x वाली फॉर्म में लिख रहा हूँ उसको। तो मैं अपना पेन चेंज कर लेता हूँ। सपोज कीजिए कि ये था मेरा फंक्शन एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो आपने x को सब्जेक्ट बनाना है और अपना एक फंक्शन लिखना है। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पर x cube is equal to 4x plus 5 और x is equal to 4x plus 5 and then whole power 1/3। तो एक ऑप्शन ये हो सकता है। बस अब आपने ध्यान सिर्फ इस चीज़ का रखना है कि जो भी आपने इनिशियल गैस सपोज किया है कि जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें और उसको उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो उसका आंसर लेस देन 1 के इक्वल होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको पहले अपनी प्रीवियस प्रॉब्लम के अंदर, यानी प्रीवियस थ्योरी के अंदर आपको इसका कंडीशन बता चुका हूँ। क्या कंडीशन बता चुका हूँ, कंडीशन ये बताया था आपको कि जी डैश ऑफ एट एक्स नॉट के ऊपर जो है इसका आंसर अगर लेस देन 1 के इक्वल होगा तो वो इनिशियल कंडीशन हम असाइन कर सकते हैं और उस पर आपका कंडीशन, आपका जो सोल्यूशन होगा वो कन्वर्ज कर रहा होगा।
और अगर वो जी डैश ऑफ एक्स का आंसर एट एक्स नॉट के ऊपर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वन है तो अब आपका आंसर जो है वो डाइवर्ज कर रहा होगा। ठीक है जी, तो ये बात आपने अपनी जहन में रखनी है। तो ये एक एक चॉइस थी, मैं ये कर सकता हूँ, आप चाहें तो यहाँ से एक्स निकाल सकते हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा जी, फिर आइटरेटिव का जो हमारा फार्मूला था, जो हमारा एल्गोरिथम था, वो क्या था, एक्स के इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स के माइनस वन, आप इसे के माइनस, इसे के प्लस वन भी कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले को, फॉर के इज़ इक्वल टू वन टू एंड थ्री। ठीक है जी, तो अब अपनी प्रॉब्लम को हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा एक्स के बन जाएगा इस गिवन प्रॉब्लम के लिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4xk-1+5 एंड देन होल पावर 1/3। ठीक है जी, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई और यही आपकी बेसिकली मेन इक्वेशन है जिसके थ्रू आपने काम करना है। अब इसके साथ साथ आप जो है वो इसका डेरिवेटिव भी लेंगे ताकि आपको पता लगे कि जिस इनिशियल पॉइंट पर आप इस प्रॉब्लम को स्टार्ट कर रहे हैं उस पर आपका आंसर कन्वर्ज होगा या नहीं होगा। तो अब आपने क्या करा कि जी ऑफ एक्स ले लिया, जी ऑफ एक्स इक्वल है आपके पास 4x+5 एंड देन पावर 1/3 और इसका आपने डेरिवेटिव ले लिया जी डैश ऑफ एक्स। तो जी डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया 4/3 4x+5 एंड देन पावर -2/3। राइट, अब आपने फिर क्या करना है कि इस जी डैश ऑफ एक्स में वो जो आपका पॉइंट था, जो आप इनिशियल पॉइंट सपोज कर रहे हैं एक्स इज इक्वल टू वन या एक्स नॉट इज इक्वल टू वन, वो सब्स्टिट्यूट कर दें। तो ये बन जाएगा आपके पास 4/3 4x+5 एंड देन पावर -2/3। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसके मॉड की वैल्यू को, जैसे कि आपको बताया गया था, तो अगर आप इसकी मॉड वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर जो है वो लेस देन 1 के इक्वल आएगा। राइट, तो लेस देन 1 के इक्वल आने का मतलब ये है कि दस द फिक्स पॉइंट आइटरेशन मेथड इज कन्वर्जेंट for the initial approximation x not is equal to 1। right, तो initial approximation x not is equal to 1 के लिए आप इसको start कर सकते हैं। अब start करने का क्या तरीका है कि ये जो आपने अभी equation number 1 बनाई है, इस equation number 1 के अंदर इसमें different iteration perform करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने आइटरेशन परफॉर्म करनी है, तो हमारी फर्स्ट आइटरेशन में आपने क्या करना है, के की वैल्यू को 1 पुट करना है। जब आप के की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो ये एक्स वन बन जाएगा और ये आपके पास जी ऑफ एक्स नॉट होगा। राइट, तो जी ऑफ एक्स नॉट यानी जी ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू 1 के इक्वल है। जब आप इस पर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 4x+1+5 एंड देन पावर 1/3। ठीक है जी, तो इसके ऊपर पावर कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो जब आप उसने इसको सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर आ जाएगा 2.08008। आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इसी तरीके से ये हमारी फर्स्ट आइटरेशन हो गई। अब हम अपनी सेकेंड आइटरेशन परफॉर्म करते हैं। तो सेकेंड आइटरेशन में ये जो आपका एक्स टू है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये बेसिकली इक्वल हो जाएगा जी ऑफ एक्स वन। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने के इज इक्वल टू 2 के लिए बात कर रहे हैं। तो जी ऑफ एक्स वन का मतलब क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स वन अभी आपने थोड़ी देर पहले एक्स वन कंप्यूट किया है, तो इस पर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं 2.08008। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये इक्वल हो जाएगा आपके पास 4x+2.08, मैं फिलहाल लिख लेता हूँ यहाँ पर, +5 एंड देन होल पावर 1/3। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 2.3704। राइट, तो आपको उम्मीद है कि आपको इसकी आइटरेशन और रूट फाइंड आउट करना ये क्लियर हो गया होगा। थर्ड आइटरेशन का क्या मतलब होगा, थर्ड आइटरेशन का मतलब होगा कि x3 इज इक्वल टू जी ऑफ x2 और जी ऑफ x2। तो x2 अभी आपने कैलकुलेट किया है, x2 की वैल्यू है 2.4
सॉरी 2.3 कर करें, 2. टू पॉइंट थ्री सेवन ज़ीरो फोर पर जब आप आंसर निकालेंगे इसका, तो इसका आंसर आ जाएगा, यानी थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लें, 4 × 2.3704 प्लस 5 एंड देन होल पावर 1/3। अब आप इसको फर्दर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर बनेगा 2.4374, राइट। तो इस तरह आप जो है वो डिफरेंट आइट्रेशन परफॉर्म कर कर अब जो जितनी एक्यूरेसी आपको रिक्वायर्ड है उतनी एक्यूरेसी पर आप अपने आंसर को कंप्यूट कर सकते हैं, राइट। तो और साथ साथ आप जो है वो रिलेटिव एरर भी कंप्यूट कर सकते हैं, इनका अप्रॉक्सीमेशन एरर भी साथ साथ निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपकी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है या आपकी सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन है, तो करंट अप्रॉक्सीमेशन माइनस प्रीवियस अप्रॉक्सीमेशन का डिफरेंस लेकर भी आप जो है वो अपना रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब मैंने इसकी फर्दर आइट्रेशंस को परफॉर्म किया है तो मेरे पास ये कुछ रिजल्ट बना है, तो मैं रिजल्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। फर्स्ट आइटरेशन में चले मैं इसको बल्कि इसको एक टेबल ही बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो इसका एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं इसे, राइट। ये यहाँ पर हमने लिख ली अपनी आइटरेशन, आप इसको क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने अपनी आइटरेशन बना ली है, यहाँ पर आपके पास जो रूट है वो एक्स के की वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पर आपने एफ ऑफ एक्स के कंप्यूट कर लिया ताकि आपको साइन का आइडिया हो जाए और वैल्यू आपको रिक्वायर्ड थी, और यहाँ पर आपने उसका रिलेटिव एरर ले लिया, रिलेटिव एरर, ठीक है जी। तो इस तरह आपने एक टेबल बना लिया यहाँ पर। तो हुआ ये कि जब मैंने इसकी फर्स्ट आइटरेशन परफॉर्म की यहाँ पर, तो एक्स ऑफ के की वैल्यू मेरे पास बनी है 0.2.0800800008382। मैं ज़्यादा डिजिट लिखता हूँ, आप भी चाहें तो ज़्यादा डिजिट लिख लीजिएगा। फिर आप ये नोट करें कि उसी पर दोबारा फंक्शन पर इसी पॉइंट के ऊपर, एक्स ऑफ के ऊपर आपने फंक्शन की वैल्यू कंप्यूट करनी होती है, ठीक है जी। तो अब आपने यानी ये बेसिकली वही जी ऑफ एक्स ही लिखा हुआ आपके पास। तो जब आपने इसे फंक्शन की वैल्यू निकाली तो ये -4.32033529 निकली, और फिर जब इनका रिलेटिव एरर आपने निकाला तो ये 0.5192504 रिलेटिव एरर निकला। इसी तरीके से सेकेंड आइटरेशन के अंदर आपने क्या किया, सेकेंड आइटरेशन में जो आपके पास है एक्स ऑफ के की वैल्यू आई है वो बन गई 2.37049141, राइट। इसी तरीके से माइनस एफ ऑफ के पर इसका आंसर बना -1.16163034। इसी तरीके से इसका जो रिलेटिव एरर है वो 0.12250944 वैल्यूज़ इसकी बनी है। सिमिलरली थर्ड आइटरेशन पर मेरा रिजल्ट बना है 2.4374 8810 एंड देन माइनस टाइम ऑफ 0.26797986777, और इसी तरीके से रिलेटिव एरर बना है 0.0274856, ठीक है जी। तो इस तरह मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो कंप्यूट कर लिया और उसको इस तरह टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है ताकि आपको बताना आसान हो जाए। और इसी तरीके से जो थर्टीन आइटरेशन पे मेरा आंसर रिपीट होना शुरू हो गया 2.45667834, और जो एफ ऑफ एक्स के का आंसर है वो 0.7012345670008, और जो एरर निकला है वो अप्रॉक्सीमेटली 0000 के इक्वल हो गया, ठीक है जी। तो ये जो है वो फाइनल आपका आंसर बन रहा था, यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है वो रेकर करना शुरू कर दी थी, राइट। तो इस तरीके से आप जो है वो फिक्स पॉइंट आइटरेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम को देखते हैं ताकि अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो वो कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो जाए। तो अब हम चलते हैं अपनी सेकंड प्रॉब्लम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो प्रॉब्लम को थोड़ा सा हम डिफरेंट करते हैं। फाइंड अ रियल रूट, बेसिकली आपको आइडिया देना है, अगर आप आइडिया आपको मिल जाएगा तो प्रॉब्लम आपके लिए आसान हो जाएगी। रियल रूट ऑफ
फोर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो यूजिंग फिक्स पॉइंट आइटरेशन मेथड. यूजिंग फिक्स पॉइंट आइटरेशन मेथड. तो फिक्स पॉइंट आइटरेशन मेथड से जो है वो आपने इस प्रॉब्लम को भी डील करना है. तो चलें इस प्रॉब्लम को हम डील करते हैं जी. तो अब अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. अगेन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक टेबल फॉर्म कर लेता हूँ ताकि जो है वो मुझे रूट का आइडिया हो सके. ऑल दो कि ये एक ओपन मेथड है, अगर आप ये नहीं भी करते हैं तब भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन केस अगर आप इसे परफॉर्म कर लेते हैं इस स्टेप को, तो ऑफ कोर्स के जो आप अपना इनिशियल गैस लिखेंगे वो इनिशियल गैस जो है वो आपके रूट के क्लोज होगा, जिसकी वजह से आपको जो है वो कम आइटरेशन की ज़रूरत पड़ेगी. तो ये एक्स हो जाएगा और यहाँ पर साइन ऑफ एफ एक्स लिख देते हैं. ठीक है जी. डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमने निकाला माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन ज़ीरो वन टू थ्री फोर. ये कुछ वैल्यूज़ के लिए मैंने कंप्यूट कर लिया. माइनस थ्री के लिए ये जो फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई एक्स, राइट. तो इस पर इसका आंसर नेगेटिव आ रहा था. माइनस टू पर भी आंसर इसका नेगेटिव है, माइनस वन पर भी इसका आंसर नेगेटिव है, ज़ीरो पर भी इसका आंसर नेगेटिव है. कैलकुलेटर को रेडियन मोड पर सॉल्व कर कन्वर्ट करके सॉल्व कीजिएगा. वन पर इसका आंसर पॉजिटिव था, टू पर भी इसका आंसर पॉजिटिव है, थ्री पर इसका आंसर नेगेटिव है और फोर्थ पर भी इसका आंसर नेगेटिव है. तो ऑफ कोर्स क्या हमें नज़र आ गया है कि हमारा रूट क्या होना चाहिए. हम अपने रूट को ये जो है वो अपना इंटरवल सपोज कर सकते हैं. ठीक है जी. तो हमें क्या पता लगा, एस एफ ऑफ एक्स एज ऑपोजिट साइन साइन एट किन दो वैल्यूज़ के ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स इज इक्वल टू वन, उसके ऊपर है हमारे पास. तो इसका क्या मतलब होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आपको ये बताता है देयर फोर एट लीस्ट वन रियल रूट इन इंटरवल 0,1. तो एक रियल रूट आपको मिल जाएगा यहाँ पर 0,1 पर. तो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन अब आप कोई सपोज कर लीजिए, तो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ले रहे हैं हम एक्स नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन है, राइट. ये आ गई आपकी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन. अब हम देखते हैं कि ये इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन हमारी जो है वो जी ऑफ एक्स के लिए कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी. अब आपने अपना क्या करना है, एक जी ऑफ एक्स सपोज करना है. तो आप जो है वो ये है आपका फंक्शन 4x प्लस साइन एक्स माइनस ई एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. तो आप चाहें तो इसको 4x लिख लें. मल्टीपल ऑप्शन हैं जैसे कि मैं आपको उसका थ्योरी में सब बता चुका हूँ, साइन एक्स प्लस ई एक्स. तो जब मैंने यहाँ से x को सब्जेक्ट फॉर्म किया तो ये बन जाएगा 1/4 ई एक्स माइनस साइन एक्स. तो ये बेसिकली मेरे पास जो है वो x की वैल्यू बन गई है आपके पास. एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम होता है x k इज इक्वल टू जी ऑफ x k माइनस वन. ये आपका बेसिक एल्गोरिथम है. यानी आप जो है वो अपनी प्रॉब्लम को किस तरह लिख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को इस तरह लिख सकते हैं x k इज इक्वल टू, यानी इक्वेशन नंबर वन इम्प्लाइज x k इज इक्वल टू 1/4 ई पावर x k माइनस वन माइनस साइन एंड देन x के ऊपर जो सब स्क्रिप्ट है वो x k माइनस वन बन जाएगा आपके पास. ठीक है जी. तो ये बेसिकली आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर टू. और आपने जो है वो इसमें डिफरेंट आइटरेशन को परफॉर्म करने के लिए इसी को एग्जैक्टली यूज़ करना होगा. ये आपने जो बनाया है इसको ही एग्जैक्टली आप यूज़ कर रहे होंगे. फिर इसके बाद आप इसका डेरिवेटिव ले लें ताकि पता लगे जो इनिशियल कंडीशन आपने चूज़ की है वो इनिशियल कंडीशन इसके लिए ट्रू है या नहीं है, यानी कन्वर्जेंट है या नहीं है. तो जी डैश ऑफ एक्स कंप्यूट कर लें. जी डैश ऑफ एक्स जब आपने कंप्यूट किया तो ये बन जाएगा 1/4 ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स हो जाएगा, माइनस एज इट इज़ रहेगा, साइन का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा कॉस एक्स, राइट. अब आपने क्या करना है,
अब आपने ये करना है कि इसका जो है वो मॉड लेना है, जी डैश ऑफ एक्स का आपने मॉड ले लिया किस पर, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर। तो आपका जो आंसर है वो बन जाएगा 1/4 e^0 माइनस कॉस ऑफ ज़ीरो। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो उसका आंसर -1 के इक्वल आ जाता है। तो -1 आपको क्या बताता है, -1 आपको ये बताता है दस द फिक्स पॉइंट आइटरेशन मेथड इज कन्वर्जेंट फॉर इनिशियल कंडीशन एक्स नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए। ठीक है जी, तो इसी फिर अब हम अपनी फर्स्ट आइटरेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट आइटरेशन परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट आइटरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमने इक्वेशन नंबर 2 में k की वैल्यू को 1 पुट कर दिया। तो k की वैल्यू को जब आप 1 पुट करेंगे तो ये x1 हो जाएगा और ये बन जाएगा जी ऑफ एक्स नॉट, और ये किसके इक्वल होगा, जी ऑफ एक्स नॉट, जीरो से स्टार्ट किया हमने, आपने इसको उठाकर जी ऑफ एक्स में पुट कर दिया, 1/4 e^0 माइनस कॉस ऑफ ज़ीरो। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/4। इसका आंसर बन जाएगा आपके पास क्या, 1/4। 1/4 का मतलब हो जाएगा 0.25। ठीक है जी, तो इस तरह आपने फर्स्ट आइटरेशन परफॉर्म कर ली। सेकेंड आइटरेशन आपकी क्या होगी, सेकेंड आइटरेशन में ये जो x2 है आपके पास, ये आप शुरू करेंगे k इज इक्वल टू 2 के लिए। तो सेकेंड आइटरेशन में जो x2 है आपके पास, ये इक्वल होगा g ऑफ x1 का मतलब g ऑफ 0.25। फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 1/4 e^0.25 माइनस साइन 0.25, राइट। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर बनेगा 0.2592। ठीक है जी, इसी तरीके से ज़रा हम स्पीडली थर्ड आइटरेशन को देख लेते हैं, थर्ड आइटरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। जी जनाब, जो थर्ड आइटरेशन x3 की वैल्यू क्या होगी, ये बन जाएगा आपके पास g ऑफ x3 यानी g ऑफ 0.2592। उसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 1/4 e^0.2592। आप कैलकुलेटर निकाल लीजिए और कैलकुलेटर से इन वैल्यूज़ को क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि इन केस अगर मेरे इसमें एरर हो रिजल्ट्स के अंदर, तो वो फिर आपके काम में ना हो। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 0.2598, राइट। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट आइटरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। और जब मैंने इसकी 8th आइटरेशन को परफॉर्म किया, तो 8th आइटरेशन के ऊपर आप इसको चेक कीजिएगा। जब मैंने इसी तरीके से इसकी 8th आइटरेशन परफॉर्म की, 8th आइटरेशन, तो 8th आइटरेशन पर मेरे रिजल्ट है 0.2599500। तो ये मेरा फाइनल रिक्वायर्ड रूट आपके पास आ जाएगा, क्योंकि इसका जो रिलेटिव एरर है, इसका जो रिलेटिव एरर बन रहा है, वो रिलेटिव एरर है 0.0000 अप्रॉक्सीमेटली, इसी के इक्वल है। तो ये आपका जो है वो फुल एंड फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको फिक्स पॉइंट आइटरेशन मेथड भी समझ आ गया होगा और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स भी आपको क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह फिक्स पॉइंट आइटरेशन की प्रॉब्लम्स को डील किया जाता है, राइट। एक दो सैम्पल प्रॉब्लम्स मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, आप जब आपको टाइम मिले तो आप इन प्रॉब्लम्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू, फाइंड अ रियल रूट ऑफ कॉस एक्स माइनस एक्स ई एक्स इज इक्वल टू 0 यूजिंग फिक्स पॉइंट आइटरेशन मेथड, राइट। तो इस प्रॉब्लम को आप ट्राई कीजिएगा, इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम इसमें भी किसी किस्म का कोई भी इशू हो तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। एक और सैम्पल प्रॉब्लम आपके लिए है, फाइंड अ
रूट ऑफ कॉस एक्स माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो यूजिंग फिक्स पॉइंट आइटरेशन मेथड, राइट। तो आप जो है ये जो दो प्रॉब्लम्स मैंने आपको दी हैं, इन दो प्रॉब्लम्स को ट्राई कीजिएगा। एक और प्रॉब्लम आपके लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छा क्लियर हो जाएगा। फाइंड द रियल रूट ऑफ ई एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो यूजिंग फिक्स पॉइंट आइटरेशन मेथड, राइट। तो बेसिकली ये तीन प्रॉब्लम हैं, इन तीन प्रॉब्लम को आपने जो है वो देखना है, और फिर आपने अगर इसमें किसी किस्म का कोई इशू होता है तो वो मुझसे डिस्कस करना है आपने। तो इस तरीके से फिक्स पॉइंट आइटरेशन की प्रॉब्लम्स को डील किया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। इन केस किसी किस्म का कोई इशू हो तो आप मुझसे जो है वो बाद में डील कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।